अस्सलाम वालेकुम आदाब, कैसे हो दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी। और आज हम जो है दोस्तों ड्रग डोज डिलीवरी सिस्टम, तो हम जो मेडिसिन वापरते हैं, कोई भी मेडिसिन हो, एलोपैथ का हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, या कोई भी मेडिसिन जो है, वो किस प्रकार से क्या डोज उसका देना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। पर उसका थोड़ा सा जो है क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इन्हांस करके आज आपके सामने फिर से एक डोज डिलीवरी सिस्टम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि ड्रग्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग फॉर्म में ड्रग्स अवेलेबल हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में, या फिर जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है तो उसमें चूर्ण रहते हैं और उसमें लेह रहता है, जैसे कि च्यवनप्राश है। ऐसे ओरल बहुत से मेडिकेशन हम लेते हैं, फिर बाद में जो है स्किन के ऊपर लगाने के कुछ मेडिसिन रहते हैं जिसको हम बोलते हैं टॉपिकल ऑइंटमेंट्स, लेनेमेंट्स, जो तेल हम वापरते हैं, फिर उस पर जो है स्प्रे भी हम वापरते हैं, कई कई जो है पेन किलर स्प्रे रहते हैं वो भी हम वापरते हैं। कुछ स्प्रे इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, जैसे कि अभी कोई डेंटल प्रॉब्लम है, वहाँ पे डेंट का एक्स्ट्रा टूथ का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो है ज़ाइलोकिन का स्प्रे वहाँ पर मारते हैं, बॉडी के एक बाहर के भाग पे भी हम मारते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन का स्प्रे आता है, कुछ मेडिसिन रखा जाता है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल दोस्तों, उसके नीचे कुछ मेडिसिन रखा जाता है, तो ये सबलिंगुअल है। कुछ मेडिसिन नाक में मारे जाते हैं जिसको नेजल स्प्रे कहते हैं या नेजल लिक्विड कहते हैं। कुछ मेडिसिन जो है वो इन्हेलर के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि एक इन्हेलर है, मीटर डोज इन्हेलर है जो पंप होते हैं वो एक रहते हैं, या कोई मीटर ड्राई पाउडर इन्हेलर है जिसको मशीन में जाकर हम रोटा हिलर या रोटा कैप्स कहते हैं, वैसे कुछ मेडिसिन होते हैं। ये कुछ मेडिसिन है दोस्तों, नेजल स्प्रे की बात किए, सबलिंगुअल मेडिसिन की बात किए, सॉल्यूशंस की बात किए, टैबलेट की बात किए। और कुछ मेडिसिन होते हैं वो जो है हम स्किन के अंदर देते हैं, उसको इंट्राडर्मल बोलते हैं। कुछ मेडिसिन सबक्यूट स्किन के नीचे देते हैं और कुछ मेडिसिन जो है इंट्रामस्कुलर देते हैं, मसल्स के अंदर देते हैं। और कुछ मेडिसिन जो है दोस्तों हम यहाँ पे जो है इंट्राक्यात, जिसको हम पैरेंटल रूट कहते हैं, जो सुई लगा कर देते हैं, वो ऐसे कुछ मेडिसिन वहाँ पे होते हैं जिसको हम इंजेक्टल फॉर्म उसको कहते हैं दोस्तों। तो ऐसे अलग अलग मेडिसिन के फॉर्म अवेलेबल है, डोज है, सिरप है, ड्रॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, और अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते हैं। और कुछ सॉल्यूशन जो है लोकली भी हम अप्लाई करते हैं, लोशंस के फॉर्म में होते हैं, ऑइंटमेंट के फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे अलग अलग असंख्य प्रकार के जो मेडिसिन होते हैं दोस्तों, उसका जो है हमें डोज भी डिसाइड करना होता है दोस्तों। तो डोज किस प्रकार से हम डिसाइड करेंगे दोस्तों, कि बोवा अभी डोज है, तो हम डोज जो है वो एज और वेट के हिसाब से हम डोज डिसाइड करते हैं दोस्तों, कि पेशेंट का एज कितना है और उसका जो है वेट कितना है। अगर एज और वेट अच्छा है, एज अच्छा है पर वेट कम है, तो उस हिसाब से हम उसका डोज मेडिसिन का कम करते हैं। एज कम है, वेट ज़्यादा है, उस हिसाब से हमें डोज एडजस्ट करना होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से जो है हमें जो है डोज रिलेटेड कुछ मेडिसिन हमें देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको दोस्तों, एक पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप मतलब 5 साल के बच्चों तक हमें जो है सिरप फॉर्म में बहुत से मेडिसिन मिलते हैं, एंटीबायोटिक और मिलते हैं, एंटी कोल्ड मिलते हैं, एंटी कफ मिलते हैं, जो ये सिरप फॉर्म में होते हैं। जो बच्चे 1 से 1.5 या 2 साल के बीच में होते हैं, 1.5 साल के बीच में होते हैं, उनको हमें ड्रॉप्स के फॉर्म में मेडिसिन देना पड़ता है दोस्तों, ना कि उनमें टैबलेट ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ना ही सिरप ज़्यादा, कभी कभी सिरप भी हम देते हैं, बट मैक्सिमम हमें उनमें ड्रॉप्स यूज करना होता है दोस्तों। जो बच्चों का एज ग्रुप जो है दोस्तों 6 साल से 12-13 साल तक उनका एज ग्रुप है, उस फॉर्म में हमें जो है दोस्तों उनमें टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, बट उनका टैबलेट का जो एडल्ट डोज है उसके हम हाफ डोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरास्टेमोल का कालपोल का डोज है 500 mg का टैबलेट, तो उसके हाफ डोज का टैबलेट 250 mg का टैबलेट हम उसे देते हैं। उस हिसाब से एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन है 500 mg का जो है एडल्ट डोज है, तो पीडियाट्रिक डोज कितना होगा दोस्तों, ये होगा 250 mg। तो इस हिसाब से हम डोज एडजस्टमेंट करते हैं दोस्तों। कोई एडल्ट है जिसका एज 70 के एबो है, तो उस पर भी हम एजिथ्रोमाइसिन कभी कभी 500 mg, या एमोक्सिलिन है, या कोई भी एंटीबायोटिक है, उसका जो हाई डोज हम वहाँ पे रिड्यूस करते हैं। 70 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, उसमें रिड्यूस करके हम कभी कभी वहाँ पे भी हाफ डोज देते हैं दोस्तों। ये हुआ अकॉर्डिंग टू एज और वेट, हमको जो है उस मेडिसिन का प्रॉपर डोज और एडजस्टमेंट कर डोज डिलीवरी हमें उन्हें देना होता है। दूसरी बात, अभी अगर समझो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट रेगुलरली फीवर है, उसमें रेगुलर फीवर चालू है,
तो उस हिसाब में उसका जो है पैरास्टामोल हमें फ्यूर में देते हैं। तो कितने बार पैरास्टामोल को हम रिपीट कर सकते हैं दोस्तों? फॉर एग्जांपल बीडी है, टीडी है, बीडी मतलब 2 टाइम, टीडी मतलब 3 टाइम, तो हमें 4 घंटे या 3 घंटे में भी हम पैरास्टामोल को वहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी डोज या ड्रग हो उसका क्लियरेंस, बॉडी में क्लियरेंस किस प्रकार से हो रहा है दोस्तों, उस हिसाब से भी हम उसको उस डोज को एडजस्ट करना होता है। कोई भी अगर ऐसा बताएगा कि बाबा इसका ओवर डोज कितना है, फॉर एग्जांपल अगर 800 या 9 8 या 9 ग्राम अगर पैरास्टामोल का ओवर डोज है, तो उसका आधा डोज तो हम पेशेंट को दे सकते हैं दोस्तों। उस हिसाब से जो है हमें 4 4 घंटे में या 3 3 घंटे में पेशेंट का फीवर कम नहीं हो रहा, तो हम दे सकते हैं उस हिसाब से। या फिर क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तुम्हारा किडनी का लोड कितना है, उस हिसाब से भी आपको मेडिसिन का जो है आपको डिस्क्रिप्शन करना होता है दोस्तों। अगर आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में आपके दोष है, क्रिएटिन आपका बड़ा है, आप AKT है या CKD है, ऐसे पेशेंट में हम एमिनोग्लाइकोसाइड जो है, जेंटामाइसिन, एमिकेसिन, इसका बहुत ही केयरफुल यूज। तो इस हिसाब से दोस्तों हमें जो है पेशेंट का जो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस कितना हो रहा है, पेशेंट जो मेडिसिन ले रहा है, IV फ्लूड ले रहा है, एंटीबायोटिक्स ले रहा है, एंटीपायरेटिक ले रहा है, एंटी कफ सिरप, ऐसे जो अलग अलग मेडिसिन है वो बॉडी से क्लियर अप कर रहे हैं। एंटी फंगल मेडिसिन ले रहे हैं, फ्लुकेनाजॉल फॉर एग्जाम्पल, बॉडी में से कितने टाइम में वॉश आउट होता है वो हमें देखना है। एंटीपैरासाइटिक, एंटीपायरेटिक, पैरास्टामोल है वो बॉडी में से कब वॉश आउट होता है, एमिनोग्लाइकोसाइड की बात किया हमें, अलग अलग मेडिसिन कि जो है एंटीबायोटिक जो है वो बॉडी में से वॉश अप कब हो रहे हैं, क्लीन अप कब हो रहे हैं, आउटपुट पेशेंट का कितना है, इनपुट कितना है, उस हिसाब से भी हमें जो है मेडिसिन का डोज एडजस्टमेंट करना होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से जो है हमें जो है डोज एडजस्टमेंट पीडियाट्रिक एज ग्रुप में एक राउंड अप अगर हम मार देंगे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, 2 साल के अंदर 1.5 साल तक हमें ड्रॉप्स वापरना है, 5 साल तक सिरप वापरना है, और बाद में 5 से 10 12 साल तक हमें एडल्ट का हाफ डोज वापरना है, और बाद में 14 15 साल से हम एडल्ट डोज दे सकते हैं दोस्तों। इस हिसाब से हमें डोज का एडजस्टमेंट करना है। फिर हमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस के ऊपर डोज को कितने टाइम में कितना देना है उसके हिसाब से हमें डोज को एडजस्ट करना है दोस्तों। इस हिसाब से जो है हमें इस डोज कैलकुलेशन को आगे चलाना है दोस्तों। होप दोस्तों आज आपके चैनल पर वापस आए हैं वो अच्छा लगेगा आपको। ऐसे ही तरीके से हमसे बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।